काफी बड़ा अंतर है। सरकार बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 300 पार तीसरी बार एनडीए जा रहा है। अमेठी की जीत जो है गांधी परिवार और यहाँ की जनता की जीत। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में शायद से पहली बार हो रहा है जब 272 वाली बहुमत रेखा पार होने के बावजूद, 290 वाला आंकड़ा छूने के बावजूद, तीसरी बार सत्ता की दावेदारी करने के बावजूद इस मैंडेट को लेकर सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष में गजब का उत्साह और ऊर्जा दिखाई दे रही है। लगातार तीसरी बार जनता जनार्दन का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारे संकल्प को नई मजबूती देता है, नई ऊर्जा देता है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया, और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होके लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। अपनी यूपी को की जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। सवाल है इस बार कॉन्फिडेंस की, इस बदलते हुए चाल ढाल की वजह आखिर है क्या? इन सारी बातों को समझेंगे और समझाएंगे। पहले कुछ सवाल जो आपके भी मन में होंगे, 2024 के इस चुनाव में चुनाव नतीजों का मतलब क्या है? ये चुनाव नतीजे मोदी फैक्टर के लिए क्या संकेत है? ये चुनाव नतीजे इंडिया अलायंस के लिए क्या मायने रखते हैं? क्या बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाकर बहुमत से रोकना इंडिया गठबंधन की बड़ी कामयाबी होगी? अगर ऐसा है तो फिर उसका श्रेय किन नेताओं को जाएगा? आपके स्क्रीन पर इन तीन नेताओं की तस्वीरें हैं। पॉलिटिकल सर्कल में अब ये बहस शुरू हो गई है कि चुनाव में बीजेपी के राम नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के राम चल रहे हैं। ये राम कौन है? आर मतलब राहुल गांधी, ए मतलब अखिलेश यादव, एम मतलब ममता बनर्जी। विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जिनको आम जनता के बारे में कॉन्फिडेंस है ऐसे लोग उस लाइन पर जाते थे, उन्होंने कोशिश की और जनता ने इसका स्वीकार नहीं किया। और इसका अच्छा जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो अखिलेश जी या उनके बाकी साथी लोगों ने ठीक तरह से दिया, और जो कुछ बातें कही गई इसका स्वीकार जनता ने किया नहीं। तो क्या 7 चरणों के चुनावों में करीब 2 महीने लंबी चली वोटिंग प्रोसेस में वाकई ऐसा हुआ? क्या देश की जनता के लिए राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं था? क्या देश ने राम मंदिर को देखकर अपने मतदान का इस्तेमाल नहीं किया? क्या जनता मंदिर से ज्यादा नौकरी और महंगाई के मुद्दे पर वोकल हो रही है? सबसे बड़ा सवाल, जिस स्टेट में राम मंदिर को लेकर माहौल बना, देश के उस सबसे बड़े सियासी सूबे में राम मंदिर के नाम पर वोट पड़े या नहीं? गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश की जनता ने इस भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाने का काम किया है, उनका अहंकार, उनकी तृष्णा को तोड़ने का काम किया है कहीं ना कहीं। और जिस तरह सभी समाज और सभी वर्ग के लोग एक साथ आए और जिस तरह समर्थन दिया, क्योंकि सभी लोग त्रस्त हैं, और जो मौजूदा सरकार थी
वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि जनता परेशान है, कि युवा परेशान है, कि हमारी माताएं बहनें परेशान है, कि किसान परेशान है, कि मजदूर बुनकर सभी लोग परेशान है और कहीं ना कहीं ये लोगों की जीत है। बयानों में धार इसलिए है क्योंकि इंडिया पॉलिटिक्स की पिच पर लोकसभा चुनाव के फाइनल मैच में बीजेपी के रथ को प्रधानमंत्री कौन, अगर किसी ने चुनौती दी तो बीजेपी को अकेले डीएम पर बहुमत लाने से रोका तो वो थे यूपी के दो नेता। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। अगर मोहब्बत और सुरंग मिल जाए तो सोचो कितना परिवर्तन हो सकता है। गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अमीरों के अरबों के लोन माफ किए लेकिन किसानों के ऋण के लिए आत्महत्या के लिए मजबूर किया। ब्याज की दरें घटाकर मध्यम वर्ग की बचत को बेकार कर दिया। नैतिक रूप से चंदे तक का पैसा खा गए। केयर फंड के नाम के आगे पीएम के नाम का इस्तेमाल करके बाद में हिसाब देने से मना कर दिया। अपराधियों को शामिल करने, उनके कृत्यों पर पर्दा डालना, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। शारीरिक रूप से देखें तो भाजपा लोगों के शरीर स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ की। यूपी के दो नेता अड़े, मोदी के सामने खड़े हुए, अपनी बात लोगों के सामने रखी, बार बार बीजेपी को आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर घेरा, बीजेपी के टॉप लीडरशिप पर हिंदू मुसलमान करने का इल्जाम लगाया, उद्योगपतियों की सरकार बताया, अडानी अंबानी की याद दिलाई। इसी का असर दिखा कि इस बार बीजेपी को उत्तर प्रदेश की जनता ने वोटों की गिनती में काफी पीछे धकेल दिया।